Hey girls, welcome back to my channel. मैं हूँ संजना और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कुछ ऐसे हेयर स्टाइल्स जो कि बहुत इजी और बहुत ही ज्यादा यूनिक हैं। मेरे बताए हुए सारे हेयर स्टाइल बहुत ही ज्यादा इजी और बहुत ही ज्यादा यूनिक होते हैं, तो वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गर्ल्स, सबसे पहले हमें अपने बालों के सारे स्प्लिट इंस को निकाल लेना है। सारे स्प्लिट इंस के निकल जाने के बाद हमें अपने बालों को दो सेक्शन में डिवाइड कर देना है। दो सेक्शन में डिवाइड कर लेने के बाद जिस सेक्शन के हेयर ज़्यादा है ना, उसी सेक्शन से एक छोटा सा सेक्शन वापस से हमें ले लेना है। उस लिए हुए छोटे से सेक्शन को अच्छी तरह से कोम्ब कर लेना है। कोम्ब कर लेने के बाद लिए हुए सेक्शन को अच्छी तरह से रोल कर देना है। रोल करके जब कंप्लीट हो जाए ना, तो उस रोल किए हुए सेक्शन को आगे की तरफ ऐसे पुश करना है। उसके बाद हेयर पिन की हेल्प से हमें अपने बालों को सिक्योर कर लेना है। सेम एज इट इज हमें दूसरे साइड के सेक्शन में भी करना है। वहाँ से भी बालों का एक छोटा सा सेक्शन ले लेना है एंड देन उसे रोल करना है। रोल कर लेने के बाद हमें उसे पीछे हेयर पिन के हेल्प से इस तरह से सिक्योर कर लेना है। ये वाला हेयर स्टाइल ना गर्ल्स, स्कूल गोइंग गर्ल्स हो या कॉलेज गोइंग गर्ल्स हो, दोनों ही टाइप के गर्ल्स के लिए बहुत ज्यादा यूनिक लुक देने वाला है। यूनिक लुक के साथ साथ ना गर्ल्स की क्यूटनेस और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ये वाला हेयर स्टाइल बहुत ज्यादा क्यूट है। अब हमें कंप्लीट किए हुए 3 स्टैंड ड्रेड में रबर बैंड लगा लेना है। उसके बाद हमें दूसरे साइड में भी सेम 3 स्टैंड ड्रेड बना लेना है। ब्रेड मतलब ब्रेड बटर वाला ब्रेड, बिल्कुल नहीं, जो हम हेयर स्टाइल में ब्रेड बनाते हैं वो वाला ब्रेड बना लेना है। कंप्लीट हो जाने के बाद नीचे रबर बैंड से सिक्योर कर लेना है। आप देख सकते हैं ये वाला लुक बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हेयर स्टाइल तो आप देख ही सकते हैं, स्कूल और कॉलेज के लिए बेस्ट हेयर स्टाइल है। अब टाइम है नेक्स्ट हेयर स्टाइल का। तो नेक्स्ट हेयर स्टाइल में हमें सेंटर से अपने बालों को अगेन दो सेक्शन में डिवाइड कर लेना है। डिवाइड कर लेने के बाद फ्रंट फ्लिक्स को हमें ऐसे ही छोड़ देना है। फिर पीछे से बालों का सेक्शन लेना है और उसमें हमें रबर बैंड लगा लेना है। तो रबर बैंड लगा लेने के बाद हमें दूसरे साइड में भी सेम करना है। दूसरे साइड में भी हमें फ्लिक्स का सेक्शन छोड़ देना है और अलग से एक सेक्शन लेकर उसे भी बिल्कुल जैसे पहले किया था ना, वैसे ही रबर बैंड की हेल्प से हमें सिक्योर कर लेना है। जिस तरह से वीडियो में दिखाया जा रहा है, बिल्कुल उसी तरह से हमें अपने बालों को सिक्योर करना है। इससे स्प्लिट इंस बिल्कुल नहीं बढ़ेंगी। हेयर स्टाइल कंप्लीट हो जाने के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा क्यूट, बहुत ही ज़्यादा यूनिक और बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी हेयर स्टाइल है। ऐसे तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने भी ये वाला हेयर स्टाइल किया ही है। अगर आपको याद हो तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर मैंशन करें। अब टाइम है नेक्स्ट हेयर स्टाइल का। तो नेक्स्ट हेयर स्टाइल में हमें ना ही कॉम की ज़रूरत है, ना ही किसी हेयर क्लिप की, हमें सिर्फ ज़रूरत है एक रबर बैंड की। तो हमें आगे से ऐसे बालों का सेक्शन लेना है बिल्कुल इसी तरह से जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो आगे से ऐसे सेक्शंस को लेके एक रबर बैंड की हेल्प से हमें सिक्योर कर लेना है। जब सिक्योर हो जाए तो आगे की तरफ पुश कर देना है, इससे एक पफ का लुक क्रिएट हो जाएगा। ये रहा हमारा आखिरी हेयर स्टाइल। थैंक यू।